Hello students, this is Archana Pandey and how are you all? I hope you all are good and fine. We are going to learn a new chapter in our civics classes, the chapter number chapter number 6. Chapter number 6. Okay, before we start the chapter number 6, students, before we start the class, students, tell me, you have any idea how many villages in our country? Any idea? Now see on the board. In India, more than 60 lakh villages. In India, more than 60 lakh villages. हमारे देश इंडिया में 60 लाख से भी ज्यादा विलेजेस पाए जाते हैं. इन इंडिया देयर आर मोर देन 60 लाख विलेजेस टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्टिविटी इज नॉट अ स्मॉल टास्क. अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी लुक द वर्क्स ऑफ टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल्स. ओके, वी नो दैट 60 लाख प्लस विलेजेस इन आवर कंट्री. इतने बड़े एरिया को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए वहाँ पर एक मशीनरी होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इन सारे गांवों को एक सिस्टम के थ्रू चलाता है. ठीक है, एक मशीनरी होती है जिसके थ्रू ये सारे गांव को हैंडल किया जाता है. टेकिंग केयर ऑफ देयर needs for water, electricity road connection taking land record taking land records. Look students, हमारे देश में 60 लाख से भी ऊपर गांव हैं और उन सारे गांव में गांव की केयर करने के लिए उन सारे गांव की केयर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिससे कि वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, रोड कनेक्टिव कनेक्शन, टेकिंग लैंड रिकॉर्ड्स, ये सारे जो वर्क्स होते हैं. And today we are going to learn about rural administration. Okay? And that is also our chapter name. Chapter name is
रूरल रूरल एंड मिनिस Our chapter name is Rural Administration. Okay? In this chapter, we will look the work to administrative officers in some details. Okay? Before we start the chapter, students, I have a question for you. Students, I have a question for you. What would you do? Question is, what would you do if something is stolen in your house? What would you do if something is stolen in your house? Tell me, students, what would you do if something is stolen in your house? Suppose आपके घर में अगर कोई चोरी हो जाती है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लोगे, या आपके पेरेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? Tell me. I know you all know the answer. क्या करोगे आप? यस, आंसर इज यू विल गो टू द पुलिस स्टेशन. हमारे घर में किसी भी तरह की चोरी होती है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? हम सबसे पहला स्टेप करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं. ओके, हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं. यू विल गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर फाइल योर कंप्लेन. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा सकते हैं? अगर आपके घर में चोरी हुआ है तो क्या आप किसी भी पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन एक तो होता नहीं है, पुलिस स्टेशन बहुत सारे होते हैं, 60 लाख विलेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस स्टेशन भी बहुत अच्छे खासे स्ट्रेंथ में होंगे. स्टूडेंट्स, सी केयरफुली ऑन द बोर्ड. सपोज ये आपका घर है. ओके, सपोज ये आपका घर, और आपका घर कहां पर है? इस एरिया में. यहां पे ढेर सारे घर हैं, ठीक, ढेर सारे घर हैं. ओके, और ऐसे ही काफी सारी जगह हैं जहां पे बहुत सारे घर हैं. यही इसी एरिया में एक है पुलिस स्टेशन. क्या है? पुलिस स्टेशन. और एक पुलिस स्टेशन यहां पर भी है, और देयर इज ऑल्सो अ पुलिस स्टेशन. हर एक एरिया का. स्टूडेंट्स, हर एक एरिया का अपना अलग पुलिस स्टेशन होता है. जैसे अगर हमारे घर में, हमारे सपोज यहाँ हमारे घर में चोरी हुई, हमारे घर में चोरी हुई है, तो हम रिपोर्ट लिखवाने कहाँ जाएंगे? हम रिपोर्ट अपनी लिखवाने के, हम अपनी रिपोर्ट इस पुलिस स्टेशन में लिखाएंगे.
हम अपनी रिपोर्ट किस पुलिस स्टेशन में करेंगे? अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से। हम यहाँ नहीं करा सकते, हम यहाँ नहीं करा सकते, हम किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं करा सकते, बिकॉज दिस इज अ रूल। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन वी कैन रजिस्टर द केस ओनली दैट पुलिस स्टेशन विच इज इन आवर होम एरिया। We can register the case only that police station which is in our home area. We can register the case only that mention it only that police station which is in our home area. Okay? हम किस एरिया के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं? ओनली उस एरिया के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं जो कि हमारे होम एरिया के स्टेशन के स्टेशन में आता हो। ठीक है? Every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases or inform the police about any theft accident injury fine etc. Okay, every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases of or information the police about any theft accident and injury fights etc. It means
हर पुलिस स्टेशन की अपनी एक एरिया होती है और उस एरिया के अंदर होने वाले एनी प्रॉब्लम, एनी थेफ्ट, किसी तरह की भी चोरी, एक्सीडेंट, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी हो या फाइट लड़ाई हो, इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी केस है वो कौन सॉल्व करता है, किसके पास जाता है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाता है। ओके, आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस इन आवर क्लासरूम्स। ओके, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू टेक ऑन द केसेस विद इन इट्स। फर्स्ट गो टू द एरिया पुलिस स्टेशन टोल पुलिस what had happened. Give the complaint in writing. You go to the area police station. First, हमें area के police station में जाना है. Told police what had happened. हमें उस police station में police को बताना है कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, क्या incident हुआ. Give the complaint in written. Most important. हमें जो भी police station में शिकायत करनी होती है उसे हमें written way में शिकायत करनी होती है. ठीक है, complaint हमें written way में करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट इंस्पेक्टर विल सेंड अ कॉन्स्टेबल the next day to investigate the incident. Okay, when we complain in our police station, then after inspector will send a constable. Inspector क्या करता है? एक constable को send करता है the next day to investigate the incident. जो inspector होता है वो send करता है एक constable को उस केस को investigate करने के लिए. Okay? So student, today we learn that every police station has an area and we can only complain our problems in our area police station. So students, today we learn about the importance of police stations and the importance of inspectors in our area and in our country also. Now today our class is over. We will continue this chapter rural administration in our next classes. Okay, I hope aap sabhi ko ye chapter acche se samajh mein aa gaya hoga. If you have any doubt
related to this chapter we will discuss in our classrooms. Thank you, students.